वेलकम टू पॉडकास्ट भी। आज की कहानी है एक ऐसे बॉयफ्रेंड की जो इतना ऑब्सेस था अपनी गर्लफ्रेंड से कि ब्रेकअप के बाद भी उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा एंड ही डिसाइडेड कि वो उसको जिंदा दफना देगा। कहानी है जासमीन कौर एंड तरिकजोत सिंह की। 2016 के साल में तरिकजोत ने ना इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जाने का डिसीजन लिया। ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड सिटी में हो गया एंड यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया में उसने खुद को एनरोल किया। वहाँ पे वो कंप्यूटर साइंस पढ़ने वाला था। इसी दौरान उसकी मुलाकात जासमीन कौर से हुई। ये 2020 की बात है। जासमीन की भी फैमिली इंडिया से थी पर वो भी एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में अभी अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो गई थी एंड वो भी सेम यूनिवर्सिटी में थी, जस्ट दैट उसने नर्सिंग कोर्स लिया था। अभी इनिशियल बातचीत के दौरान दोनों भी एक दूसरे में ना इंटरेस्टेड थे एंड देन काफी वक्त साथ में स्पेंड करने लगे। इवेंचुअली दे स्टार्टेड डेटिंग एंड तरिकजोत कम वक्त में ही जासमीन से एक्सट्रीम लेवल पे अटैच हो गया था। शुरुआत में तरिकजोत का बिहेवियर नॉर्मल था पर धीरे धीरे जैस्मिन स्टार्टेड नोटिसिंग कि तरिकजोत बहुत शक्की इंसान है। वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, उसका दोस्त कौन है, ये सब के बारे में उसे जानना रहता। कॉन्स्टेंटली वो उससे पूछता कि किससे बात हुआ उसका। अगर वो फ्रेंड्स के साथ बाहर जाती तो ये गुस्सा हो जाता एंड झगड़ने लगता एंड जैस्मिन को बोलता कि अभी के अभी वापस आ जाए। इसी वजह से बीच में से ही उसे एट टाइम्स रिटर्न आना पड़ता। ये कंट्रोलिंग बिहेवियर अभी जैस्मिन टॉलरेट नहीं कर पा रही थी। उसने तरिकजोत को समझाने का काफी ट्राई किया कि उसका ये बिहेवियर गलत है पर ये कांस्टेंट शक के चलते ना काफी झगड़ा इन दोनों के बीच में होने लगा एंड इनके रिलेशन को ज्यादा वक्त हुआ भी नहीं था। जस्ट दैट कुछ महीने के अंदर ही तरिकजोत ऐसा बिहेवियर दिखाने लगा। सो जैस्मिन थॉट कि दिस इज गेटिंग स्कैरी एंड शी शुड एंड दिस रिलेशनशिप। 9 months का इनका रिश्ता था एंड 4 January 2021 को उसने तरिकजोत से ब्रेकअप करने का डिसीजन ले लिया। बट अलग होने का जो ये डिसीजन था वो तरिकजोत डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था। वो नहीं चाहता था कि जैस्मिन उससे अलग हो एंड ही डिड एवरीथिंग टू कन्विंस हर कि वो उसे छोड़ के ना जाए। पर जैस्मिन न्यू दैट दिस इज नॉट गोइंग टू एंड वेल। प्लस तरिकजोत इवन पास्ट में एक मेंटल हेल्थ यूनिट में भी टाइम स्पेंड कर चुका था बिकॉज ही हैड इश्यूज एंड इसी सब की वजह से जैस्मिन को डर लगता था उससे। सो उसने अपना डिसीजन चेंज नहीं किया एंड रिश्ता खत्म कर दिया, जिसके बाद तरिकजोत उसे कॉन्स्टेंटली धमकी देने लगा कि वो खुद की जान ले लेगा अगर वो उसको छोड़ के चली गई तो। एंड जैस्मिन इससे डर गई बिकॉज शी न्यू कि वो ऐसा पर्सन है कि ऐसी चीजें वो कर सकता है खुद के साथ। हेंस 28 जनवरी 2021 को उसने पुलिस स्टेशन जाने का डिसाइड किया। जैस्मिन ने पुलिस को सब बता दिया कि कैसे उसका एक्स बॉयफ्रेंड अभी भी उसको परेशान करता है, उसको स्टॉक करता है, उससे ऑब्सेस्ड है, ब्रेकअप के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है, कॉन्स्टेंटली धमकी दे रहा है। जिसके बाद पुलिस ने तरिकजोत से बात किया एंड उसे बताया कि वो ऐसे जैस्मिन को स्टॉक नहीं कर सकता, फिर से अगर उसके अगेंस्ट कोई भी कंप्लेंट आता है तो अगले बार डायरेक्टली वो अरेस्ट होगा। पुलिस की इन्वॉल्वमेंट के बाद ना तरिकजोत ने जैस्मिन को तंग करना बंद कर दिया। जैस्मिन को लगा कि अभी वो उसे परेशान नहीं करेगा पर उसे क्या पता था कि ये आदमी एक क्रूअल प्लान बना रहा है। देन आया मार्च 2021 का महीना। ब्रेकअप को ऑलरेडी 2 महीने हो चुके थे। तरिकजोत उस महीने में एक स्टोर में गया था कुछ चीजें लेने के लिए एंड उसका सीसीटीवी फुटेज भी ना देखने मिला। वो स्टोर से उसने वियर्ड चीजें खरीदी, केबल टाइज, टेप्स, ग्लव्स, शवल, ये सब खरीद के ना वो अपने कार में गया। अभी ये कार उसकी नहीं थी, उसके दोस्त की थी। देन वो कार लेके ना जैस्मिन जहाँ पे काम करती थी उस जगह पे पहुंच गया एंड बाहर वेट करने लगा। अभी डेट था 5 March 2021 का। काम खत्म होने के बाद जनरली जैस्मिन अपने काम की जगह से बाहर आती एंड पार्किंग एरिया में चली जाती, तो उस रात को भी उसने वही किया। काम खत्म होने के बाद वो पार्किंग एरिया में गई अपने गाड़ी के पास, पर इस बार उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड था वो भी उसके लिए वहाँ पे वेट कर रहा था। वो छुपके से आया एंड पार्किंग एरिया से जैस्मिन को उसने किडनैप कर दिया, उसके हाथ पैर बांध दिए, आंखों के ऊपर कपड़ा बांध दिया एंड अपने कार में उसे डाल दिया, जिसके बाद ही स्टार्टेड ड्राइविंग। अभी जो लोकेशन तरिकजोत ने ये प्लान के लिए चूज किया था वो काफी दूर था एंड 5 घंटों तक ही वॉज ड्राइविंग। ये पूरे ड्राइव के दौरान भी ना उसके पास टाइम था ये रियलाइजेशन करने का कि जो वो करने जा रहा है वो गलत है एंड ही शुडंट डू इट। रात के अराउंड 10 बजे ना जैस्मिन एडिलेड से किडनैप हुई थी। देन लंबे ड्राइव के बाद ये लोग डेथ रॉक करके एक जगह के पास पहुंचे एंड ये पूरे रूट के बारे में ना बाद में इन्वेस्टिगेशन में समझा, बिकॉज रोड पे जहाँ जहाँ कैमराज थे उस फुटेज में ना तरिकजोत का जो कार था वो कैप्चर हुआ था। लोकेशन पे पहुंचने के बाद तरिकजोत जो है वो गाड़ी से उतरा एंड एक जगह पे जाके गड्ढा खोदने लगा। इमेजिन जैस्मिन को ये सब के दौरान कितना डर लगा होगा। कई घंटों तक वो कैप्चर थी एंड कॉन्स्टेंटली गाड़ी चलती जा रही थी। देन जब गाड़ी रुकी तब खोदने की आवाज उसे कॉन्स्टेंटली आ रही थी। कई घंटों तक तरिकजोत ना खोद रहा था। देन जब वो पिट काफी गहरा बन गया उसके बाद वो जैस्मिन के पास गया, उसने उसको उठाया एंड उस पिट में डाल दिया। फिर वो मट्टी से उस पिट को बंद करने लग गया। ये सब जब हो रहा था तब जैस्मिन जिंदा थी, फिर भी तरिकजोत उसके मुंह पे बॉडी पे मट्टी डालते जा रहा था एंड कुछ वक्त बाद उसने जैस्मिन को जिंदा उस जमीन में दफना दिया। 6 मार्च को ना ये सब हुआ था।
फिर तारिक जोत ने बाकी सारी जो भी चीजें थी जैसे केबल टाइज, ग्लव्स वगैरह, वो भी दूसरे पिट में छुपा दी एंड वापस अपने घर के लिए निकल गया। दूसरी तरफ जैस्मिन कौर के जो फैमिली वाले थे वो परेशान हो रहे थे कि काम से जैस्मिन वापस क्यों नहीं आई। फिर उन्होंने मिसिंग रिपोर्ट फाइल कर दिया। पुलिस का पहला शक तारिक जोत पे ही गया बिकॉज जैस्मिन ने स्टॉकिंग एंड उसके ऑब्सेसिव बिहेवियर के बारे में पहले उनको बता दिया था। इस वजह से दे क्वेश्चन्ड हिम। इनिशियली तारिक जोत ने बोला कि उसको याद नहीं है वो आखिरी बार जैस्मिन से कब मिला था क्योंकि काफी दिन हो गए हैं एंड वो तो घर पे था जिस दिन जैस्मिन गायब हुई। पर पुलिस के कांस्टेंट क्वेश्चनिंग के चलते ना तारिक जोत ने अगले दिन अपना पूरा स्टेटमेंट चेंज कर दिया। ही सेड कि जैस्मिन ने खुद की जान ले ली एंड तारिक जोत को उसकी बॉडी मिली। वो काफी उदास हो गया था एंड इसी वजह से उसने अपनी लवर को दफनाने का डिसीजन लिया एंड देन इवन उसने पुलिस को वो जगह भी दिखाई जहाँ पे उसने उसको दफना दिया था। अभी वो लोकेशन से जैस्मिन की बॉडी मिल गई एंड इवन उसका जो दूसरा सामान था जो वो कैरी कर रही थी उस दिन वो भी मिला। आफ्टर दिस तारिक जोत सिंह गॉट अरेस्टेड। अभी तारिक जोत की जो मॉम थी ना वो इंडिया में रहती थी, उनके तरफ से एक अलग ही स्टेटमेंट देखने मिला। शी स्टेटेड दैट उनके बेटे ने उन्हें बताया था कि जैस्मिन शादी करना चाहती है उससे एंड वो भी शादी करना चाहता है। जस्ट दैट जैस्मिन के घर वाले शादी के लिए मान नहीं रहे इसलिए जैस्मिन ने खुद की जान लेने की कोशिश कर दी एंड तारिक जोत को लगा वो जिंदा नहीं है इसलिए उसने उसको दफना दिया। अभी ये सब स्टेटमेंट्स ऐसे लग रहे थे कि क्राइम को कवर करने के लिए किए जा रहे हैं क्योंकि जैस्मिन अगर शादी करना चाहती थी तो वो कंप्लेन क्यों करती तारिक जोत के बारे में। एंड अगर जैस्मिन ने खुद की जान लेने की कोशिश की तो तारिक जोत जो है वो स्टोर में जाके शवल, टेप, ग्लव्स, केबल ये सब खरीदने क्यों गया था। जल्दी ये केस का ट्रायल शुरू होने वाला था एंड एविडेंसेस भी कलेक्ट हो चुके थे पर ट्रायल शुरू होने से पहले ही तारिक जोत प्लेड गिल्टी। इवन कई सारे एविडेंसेस भी उसके अगेंस्ट थे तो कहीं ना कहीं ट्रायल होता भी तो भी वर्डिक्ट उसके अगेंस्ट ही जाता पर शायद सजा कम करने के लिए उसने ये डील ले ली। एंड जैस्मिन के ऑटोप्सी रिजल्ट्स में ये देखने मिला कि उसकी जान मट्टी इनहेल करने की वजह से हुई है। अब ये केस में पहले तो वर्डिक्ट ये आया था कि लाइफ इन प्रिजन की सजा होगी उसको बट कुछ वक्त बाद ये बोला गया कि 22 इयर्स एंड 10 मंथ्स तक नॉन पैरोल पीरियड जो होता है ना वो सर्व करेगा तारिक जोत, जिसका मतलब है वो जेल में इतने साल रहेगा उसके बाद ही वो पैरोल के लिए अप्लाई कर सकता है। जैस्मिन वॉज जस्ट 21 इयर्स ओल्ड जब उसके साथ ये हुआ एंड उसे तारिक जोत के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना था पर दिस गाय कुडंट हैंडल रिजेक्शन एंड एंडेड हर। स्टिल ही हैड द ऑडेसिटी टू से कि वो उससे प्यार करता था।